हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी पूड़ियाँ। ये बहुत टेस्टी होती हैं, बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत क्रंची होती हैं, ये चाय के साथ स्नैक्स में कभी भी आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मैंने एक बर्तन में 1.5 कटोरी मैदा लिया है, तो आप किसी भी कटोरी से मेज़र कर सकते हैं या आपके पास मेज़रमेंट कप हो उनसे भी आप मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। आप इसको मैदे से ही बनाएं, आटे से ना बनाएं, क्योंकि मैदे से ही उसका अच्छा टेस्ट आता है और क्रंची बनती है। अब मैंने 1/4 कटोरी सूजी ली है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये पतली सूजी है, मोटी सूजी नहीं है। अब मैं 1/4 कटोरी चावल का आटा लूँगी और इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दोस्तों, ये वाली पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती हैं। ये गोलगप्पे के जैसी बनती हैं, गोलगप्पे के जैसे ही लगती हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। तो इसको मैंने कूट लिया था, ये दरदरा ही कूटना है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो दोस्तों, मैंने 6-7 काली मिर्ची ली थी और आधा छोटे चम्मच जीरा लिया था और उनको कूट लिया था। अब मैं नमक ऐड करूँगी, तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसमें मोयन के लिए 2 छोटे चम्मच ऑयल डालूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों, इसको ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसको मोटी छन्नी से छान सकते हैं, जिससे कि सारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कसूरी मेथी ऐड करना है तो उसको थोड़ा सा भून के क्रश करके ऐड करें। अब हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको पानी डालकर आटा गूंदेंगे। तो पानी नॉर्मल ही लेना है, ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं लेना पानी। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदना है, जिससे कि हमारा आटा कड़ा रहे, सॉफ्ट ना हो जाए। अब हमने आटा गूंद लिया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आटे को कड़े ही गूंदें। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे और इसकी बड़ी बड़ी लोइयां बना लेंगे। लोइयां हम बड़े साइज की बनाएंगे, ये रोटी से थोड़े बड़े साइज की रहेंगी। और सारी लोइयां हम बना के रख लेंगे। अब हम रोटी के जैसे इसको बेलेंगे, तो इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, इसको पतला ही बेलना है, जिससे कि हमारी पूड़ियाँ थोड़े क्रंची बने। ये इन पूड़ियों को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या आप अचार के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। अब हमने इसको बेल लिया है, अब हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए आप किसी भी ग्लास से कट कर सकते हैं या कोई कटोरी ले सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे से कट हो जाए। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, जिस शेप में आप चाहें उस शेप में आप कट कर सकते हैं। तो मैंने एक ग्लास लिया है, उससे मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी गोल बनी है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया है। पहले हम चेक करेंगे, देखिए कितना अच्छा गरम हो गया है। पहले हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर रखेंगे, अब पूड़ियाँ डालेंगे। पूड़ियों को फूलने देंगे, जब ये फूल जाएंगे फिर उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, अब हम इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, जिससे कि हमारी पूड़ियाँ अच्छी क्रंची हो जाएंगी। पूड़ियों को ठंडा होने के बाद आप किसी कंटेनर में भर देंगे, तो ये 8-10 दिन तक इसको खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल बनके तैयार हो गई, अच्छा ब्राउन कलर भी आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए आप इसको टिश्यू पेपर पर ही निकालें, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा।
तो देखिए दोस्तों हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी दिख रही हैं, कितना अच्छा कलर भी आया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।